फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर्स में ऑयल मसाज किया हुआ है और आज मैं शैम्पू करूंगी। तो मैं कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। देख के तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है, एलोवेरा है और किस तरह से मैं इसको अपने बालों में यूज़ करती हूँ, वो चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और मेरी जो बाल है, आप तो इतने वीडियो देख चुके हैं, पता होगा आपको, तो इसको लगाने के बाद किस तरह से दिख रहा है मेरा बाल, शाइनी दिख रही है, कैसे दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी और सही में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एलोवेरा और दोनों साइड को हम ऐसे काट लेंगे थोड़ा सा, जैसे कि हमको इजी हो जाए जो एलोवेरा का पल्प है उसको निकालने में। ये देखिए, अब सारे एलोवेरा का जो पल्प निकल गया है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून हनी ले रही हूँ। और जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो आपके बाल के हिसाब से ले लेंगे। मैं अपने बाल के हिसाब से 1 टेबल स्पून ली थी, उसके बाद और आधा स्पून मैंने मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं छोटा सा, जैसे कि अच्छे से झाग जैसे हो जाए और अच्छे से सारे चीज़ें मिल जाए। आपको याद रखना है क्या क्या मैंने लिया, एलोवेरा का पल्प लिया है, हनी लिया है, कोकोनट ऑयल, साथ में जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं। और इसको कैसे लगाना है देखिए, आप मैं कैसे लगा रही हूँ। अच्छे से हम हेयर को अपना इससे कवर कर लेंगे, मतलब स्काल्प भी और बाल भी और नीचे की पोर्शन पे करके इसको हम थोड़ी देर रख लेंगे, आधा घंटा करीब रख के उसके बाद हम शैम्पू कर लेंगे। और चलिए शैम्पू करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फिर बनाएंगे खाना वाना। ये मेरी डेली स्किन केयर रूटीन है, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। पहले मैंने थोड़ी सी विंटर क्रीम लगा ली, मॉइस्चराइजर, उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी, नॉर्मल पाउडर, कोई मेकअप वाले नहीं। उसके बाद मैं बिंदी लगाती हूँ, बिंदी छोटे भी लगाती हूँ और थोड़ा सा इस साइज़ का लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज बिल्कुल नहीं है, जिसके वजह से चाहे मैं कुछ लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन आईब्रो तो ज़रूर लगाती हूँ। बिना आईब्रो के मुझे मेरा जो मेकअप है बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं लगती। उसके बाद मैंने रखा हुआ है सिंदूर, सिंदूर लगा लिया है मैंने। और विंटर की वजह से निविया का भी मैं लगाती हूँ लिप बाम, क्योंकि बना हो ड्राई हो जाती है। हो गई मेरी फेस की मेकअप, उसके बाद मैं कॉम कर रही हूँ। और आपको मैंने दिखाई थी कि मैं कैसे शैम्पू कर रही हूँ, एलोवेरा और शैम्पू ऑयल हनी मिक्स करके, उसके बाद बाल बहुत ही सिल्की लगती है और बहुत अच्छा लगता है। एक पोनीटेल बांधने के बाद हो गई मैं बिल्कुल रेडी। अब करेंगे हम खाना वाना बनाएंगे और चलते हैं। आज मैं बनाऊंगी प्योर वेज, और वेज में क्या वेज बना रही हूँ, कैसे बनाऊंगी प्रिपरेशन आपके साथ शेयर कर लूंगी। कैबेज देख के आपको समझ आप सब समझ गए होंगे कि मैं कैबेज की सब्जी बनाऊंगी, सूखा बनाऊंगी। कैबेज को पहले हम काट लेंगे बारीक बारीक करके। ये वाला जो किचन टूल है ये भी आपके साथ मैं शेयर की थी, बहुत इजी होता है कैबेज को कट करने के लिए।
और ये देखिए राइस मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कुकर में मुझे अभी तक नहीं आती है। तो ये हमारा उड़ीसा में ऐसे बनाते हैं, तो मैं शुरू से ऐसे ही बना रही हूँ। ये चावल हो गया कि नहीं हो गया मैं देख रही हूँ। और दूसरे गैस में मैंने कैबेज को मैं पहले गर्म पानी में हल्दी डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको कुक करूँगी। और देखिए राइस से मैंने पानी निकल दिया है और हम मेरी जो राइस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब कैबेज को मैं छान लूँगी, उससे पहले मैं कैबेज का मसाला जो है उसको बना रही हूँ। मैंने पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, थोड़ी सी ऑयल डाल के। अब इसमें जैसे ही हमारा जीरा काकल कर गया, उसमें मैंने एक छोटा सा कटा हुआ प्याज डाल दी हूँ। इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और मैंने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कूट के रखा हुआ है, पेस्ट नहीं, उसको कूटा हुआ है तो मैसर से, तो उसको भी डाल दिया है। एक कटी हुई टमाटर डाल दी हूँ, मीडियम साइज़ का है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर सारे मिला के थोड़ी देर हम ढक के रख लेंगे ताकि हमारा मसाला पक जाए। मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ मसाला हुआ कि नहीं हुआ है। अब इसमें एक कटोरी कटी हुई गाजर एंड आलू को मैंने रखा हुआ था। आप इसमें मटर भी, हरा मटर डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं, वो भी बहुत यम्मी लगती है अगर इसमें हम डालते हैं तो। इसको भी थोड़ी देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक ये होता है उधर हम दाल भी चढ़ा लेंगे। और दाल के लिए मैंने पैन चढ़ा ली है, उसमें थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगी जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगी इसमें मैं डालूंगी पंचफुटन, जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, सरसों ये सब है। और जब क्रैकल हो जाएगा उसके बाद मैं कटी हुई प्याज, अदरक और लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च ये सारा डाल दी हूँ। इसको थोड़ी देर हम फ्राई होने देंगे। उधर हो रहा है, इधर हम देख लेंगे गोभी वाला मसाला जो है वो रेडी हुआ कि नहीं हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा चला लिया ताकि नीचे से जल ना जाए। जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगी फिर हम इसमें हमारा जो दाल है, मैंने हरड़ दाल लिया हुआ है धो के रख दी थी, अब इसमें डाल दूंगी। और इसमें मैंने नमक हल्दी वगैरह डाल के अब कुकर को मैंने बंद कर दिया है। और इसमें मैंने गोभी भी डाल दी थी, वो शायद वीडियो मिस हो गया मेरे से। अब देख रही हूँ कि गोभी हुआ कि नहीं हुआ है। दोनों गैस मेरी चालू है, एक में गोभी है एक में दाल में चढ़ाई हूँ। और इधर थोड़ा सा चाय पीने को मन किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं चाय चढ़ाई हूँ। और ये देखिए हमारी गोभी होके रेडी हो गई, हमारी दाल भी हो चुकी है अब, और राइस तो हमने बना लिया था। अब हमारा भेज थाली बिल्कुल रेडी है। आप
40 to 45 मिनट्स में ये सारा कुछ आप रेडी कर सकते हैं बहुत आसानी से, आधे घंटे में भी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का वेज थाली मुझे ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।